मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड में नियुक्त आशा कार्यकर्ता को किसी भी अन्य कार्य के लिए राशि का भुगतान कोरोना काल से लेकर अब तक नहीं किया गया, जिसके स्वरूप प्रखंड की सभी आशा कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर क्षेत्र में वैक्सीनेशन का काम किया और क्षेत्र में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही आशा कार्यकर्ता संघ के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू कुमारी ने कहा कि कोरोना काल से लेकर अब तक कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया, जिसको लेकर हम सभी आशा कार्यकर्ताओं ने काम के बदले पैसा न मिलने से नाराज होकर काला बिल्ला लगाया है। हम सभी आशा कार्यकर्ता कोरोना से इंटर पर लगातार 1.5 महीने से अधिक गिफ्ट किया गया था। इसके साथ साथ उनका कहना है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन का काम भी किया जा रहा है, जिसको लेकर किसी भी तरह की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि आखिर फ्री में आशा कार्यकर्ता क्यों काम करेंगी और कब तक करेंगी। प्रखंड अध्यक्ष रिंकू कुमारी ने बताया कि लोग प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संग्रामपुर के निर्देश पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, पर सरकार से विरोध जारी है, इसलिए उन्होंने काला बिल्ला लगाया है। आशा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन का काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो आशा कार्यकर्ता के बच्चे भूखे प्यासे मरने को मजबूर होंगे। यही है कि जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, किसी भी तरह का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, कोई भी मतलब राशि नहीं मिल रही है। शुरू शुरू में हम लोग को जब प्रवासी मजदूर सब या कोई भी प्रवासी आते थे, उनके लिए वैक्सीनेशन थी कोरोना सेंटर जो खोला गया था, वहाँ पर हम लोग 1.5 महीना तक लगातार ड्यूटी दिए, एक भी पैसा नहीं मिला हम लोग को। मतलब वो इलेक्शन ड्यूटी में भी टाइम ले लिया गया, पैसा कह के पैसा नहीं दिया गया। वैक्सीनेशन जब से हो रहा है, हम लोग का टीकाकरण बंद हो जाता है, प्रायः सब काम बंद हो जाता है, हर रिपोर्ट टाइम पे मांगा जा रहा है, किसी तरह का किसी चीज़ में पैसा नहीं मिल पा रहा है समय पर, कैसे काम करें हम लोग। अभी ये आज के डेट में 16-11 से जो ये घर घर दस्तक कार्यक्रम कोविड का शुरू हुआ है, क्यों हम लोग को मोबिलाइजर में घुराया जा रहा है बिना पैसे का? काफ़ी थे, अगर पोलियो टीम को घुराया जा रहा है मोबिलाइजर में, हम लोग काफ़ी थे पोलियो टीम, एक ANM दीदी रहती, चाहे किसी भी ANM को दिया जाए, सबको वैक्सीन लेती, क्या कहते हैं उसको, वेरीफाई करने के लिए बताया गया है, वो वेरीफाई करती है, वैक्सीनेट करती, हम लोग मोबिलाइज भी कर देते और सारा काम भी कर लेते। किसी एक को एक्स्ट्रा में आप काम करवा रहे हैं, हम लोग फ्री में क्यों करते जाएं काम चाहते हैं? और आगे अगर ये कार्यक्रम प्रभारी सर के कहने पर हम लोग काम करवा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और काला बिल्ला इसलिए लगाए हुए हैं, हमको अपना अधिकार चाहिए, जिस वजह से प्रभारी सर के कहने से हम काम कर रहे हैं, नहीं तो काम नहीं करते हम लोग। आगे हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे यदि ऐसा कार्यक्रम रहा, फ्री में खटने के लिए तैयार नहीं है। यदि सरकार हम लोग को हमारी औकात दिखाती है तो हम उनको उनका प्रोस्पेक्टर याद दिलाएंगे, किस काम के लिए वो बहाल किए हैं हमको और हमसे क्या काम लिया जा रहा है। कितने दिनों का पैसा बाकी आप लोगों? बहुत दिन से बहुत चीज का कुछ कुछ तोड़ तोड़ करके रुक रुक करके पैसा बाकी है, किसी का कुछ बाकी है, किसी का कुछ बाकी है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का सारा पैसा दिया गया है, किसी का किसी चीज़ का बाकी, किसी का किसी चीज़ का बाकी। ये कोरोना काल में तो बहुत सारा पैसा बाकी है, और ये वैक्सीनेशन जब से हो रहा है, बताया गया कि सरकार का फंडा जब से महाअभियान चालू हुआ, उस दिन यदि 50 आदमी को वैक्सीनेट किया जाता है तो 200 रुपया है, 49 पड़ता है वैक्सीनेट तो एक भी पैसा नहीं है। अगर आप 150 से 200 को वैक्सीनेट करवाती हैं तो वही 200 रुपया है, उस समय बताया गया। और अब इसमें निचोड़ क्या निकाला जा रहा है तोड़ ताड़ के, कि उसमें सेविका भी बैठती है, जीविका भी बैठती है, 2-4 आशा उधर की आती है लेके। रोहित कुमार की संग्रामपुर मुंगेर से रिपोर्ट। मुंगेर में देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग 3 माइन गनेली में गैस सिलेंडर में आग लगने से लाखों की क्षति हुई है और परिजन भी बाल बाल बच गए हैं। तारापुर थाना क्षेत्र में 3 माइल गनेली में गैस सिलेंडर में आग लगने से लाखों रुपए की क्षति हुई, जिसमें घर में मौजूद परिजन बाल बाल बच गए। हरपुर थाना क्षेत्र के 3 माइल गनेली में गैस सिलेंडर में लीकेज हो जाने से आग पकड़ ली, जिसके कारण घर में रखा सामान जलकर आग हो गया। हादसा गुरुवार की सुबह स्थानीय निवासी राजेश कुमार सिंह के घर का है। आगजनी से आसपास के घरों में भी अफरा तफरी मच गई, कई लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकल आए, और इस संबंध में राजेश ने बताया कि उसकी घर का गैस समाप्त हो गया था। इसके बाद उसने रसोई घर में गैस सिलेंडर को बदल कर जांच के लिए गैस चूल्हे में जैसे ही लाइटर जलाया, रेगुलेटर के पास गैस रिसने लगी और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। किसी तरह लीकेज सिलेंडर को किचन से बाहर निकाला गया और इसके बाद घटना की सूचना हरपुर थाना अध्यक्ष हारून मुस्ताक को दी गई। इसके बाद हरपुर थानापुर और संग्राम
रामपुर से अग्निशमन की गाड़ी पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। पीड़ित राजेश ने बताया कि घर में रखे इन्वर्टर, कीमती कपड़े, दरवाजे सहित घर में बिजली की वायरिंग जलकर आग हो गई। वहीं आगजनी से उसका लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं तारापुर अंचला अधिकारी मन्ना कुमारी ने बताया कि घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जाँच करने के बाद मुआवजे के बारे में कहा जाएगा। लगा है रेगुलेटर उसके द्वारा खाना बनाने क्रम में, खाना बना रही थी वाइफ तो ना रेगुलेटर लीकेज किया है, सिलेंडर लीकेज नहीं था। तो इसमें क्या हाँ नुकसान हुआ है? कितना का? मोटा मोटी 2 लाख से ऊपर का नुकसान है। क्या? क्या क्या? घर का सारा सामान जल गया है, कम्बल तम्बल, जैसे फ्रिज त्रिज में लाइन था, इन्वर्टर जल गया है, घर का वायरिंग टोटल वायरिंग जल गया है, घर का बाहर से भीतर तक 3 रूम का। तो ना अभी तो नहीं किए हैं। तो फायर ब्रिगेड आई थी हरपुर थाना से, उसके बाद सकरमपुर थाना आया, उसके बाद जो है कि तारापुर थाना का आया था। अच्छा, हाँ मतलब आग जो लगी तो महिला लोग सुरक्षित? हाँ, बाकी सब चीज सुरक्षित है, सिर्फ जल सामान और क्षतिपूर्ति वही हुआ है। राजेश कुमार सिंह, 3 माइल चौक गनेली, संग्रामपुर, मुंगेर। रिपोर्टर रोहित कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के चाफा गांव में बीती रात पति पत्नी की आपसी रंजिश में तेज धारदार कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। परिजनों के द्वारा बताया गया कि पति के द्वारा कुछ पैसे की मांग की गई थी, जिसको लेकर बार बार पति पत्नी में झगड़ा होता था। अचानक बीती रात लड़की के नंद के द्वारा फोन करके परिजन को जानकारी दी गई और तेज धार हथियार से पत्नी की पति के द्वारा हत्या कर दी गई। परिजनों को पता होते ही असरगंज थाने को इन्फॉर्म किया गया, तुरंत गश्ती दल पहुंचा और मामले की जानकारी लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तारापुर डीएसपी पंकज कुमार ने बताया कि ग्राम चाफा में ममता देवी की हत्या कुल्हाड़ी से काट कर कर दी गई। ममता देवी असरगंज की रहने वाली है और उसकी शादी आज से 6 वर्ष पूर्व ग्राम चाफा में सूरज मंडल के साथ हुई थी। सूरज मंडल और उसके परिवार के द्वारा दहेज हेतु प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट की जाती थी। बीती रात सूरज मंडल ने अपनी पत्नी ममता देवी को कुल्हाड़ी से गर्दन और पीठ पर कई बार प्रहार कर हत्या कर दी। उसके भाई के फर्द बयान पर असरगंज थाने में कांड अंकित किया गया। सूरज कुमार एवं उसके परिवार के ऊपर FIR दर्ज की गई और सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया। सर, हत्या के पीछे क्या मामला है? सर, बीते रात ग्राम चाफा में ममता देवी की हत्या कुल्हाड़ी से काटकर कर दी गई है। ममता देवी असरगंज की रहने वाली है। इनकी शादी आज से 6 वर्ष पूर्व चाफा गांव में सूरज मंडल के साथ हुई थी। सूरज मंडल और उसके परिवार के सदस्य इसे दहेज हेतु प्रताड़ित किया करते थे और अक्सर मारपीट किया करते थे। उसी प्रकरण में बीते रात सूरज मंडल ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से उसके गर्दन और पीठ पर कई बार प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया है। ममता कुमारी के भाई के फर्द बयान के आधार पर असरगंज थाना में कांड अंकित किया गया है। सूरज कुमार और उसके परिवार के 6-7 सदस्य केस के मुद्दे हैं। अभी सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, जिसमें खून लगी हुई कुल्हाड़ी भी जब्त की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के कपड़े और उसके शरीर के अन्य भाग में भी खून के छींटे पाए गए हैं, जिसे कलेक्ट किया गया है। इन सारे साइंटिफिक एविडेंस को मिलान करने के लिए FSL भेजा जाएगा और अभियुक्त के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल करा करके इस केस में सजा दिलाने का काम पुलिस करेगी। सर, इस पीछे कितने? कुल मिलाकर के 7 अभियुक्त हैं। इसमें 7 मुद्दे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ है, जिसमें 1 की गिरफ्तारी हुई है, शेष अन्य 6 फरार हैं। जरा बोले छे ना लड़किया, वो अग्रेस करिए फंसी जाए छे, तो मैं ककरो बोले बतिया नहीं दे छे, बस यहाँ शक छे ओकरा। आप पी खाए के आबे बस रात के सुतला राति में मारे उठाए उठाए, यह गलती छे ओकरा। लगभग 10 बजे आपको कैसे पता चला? जॉब गया ओकरो ननद बोलल, एगो ननद छे कुमारी गुड़ो नाम छिके, वही फोन कर लगे कि भौजी तोरा ननद मरी गेलो, काटी दे पंद्रह भैया ने, तब जल्दी है बस। तब इसके बाद आप लोग वहाँ पर गए? हाँ, कर लिए। हाँ। तब बड़ा पर फोन कर लगे, वो गाड़ी पेट्रोली में गेलो, कल के जाओ मंडल टोला में देखो कहाँ हथिया हुआ है। आप लड़की का कौन है? लड़की ममता दे, ममता। आप लड़की का कौन लगते है? हम माया चिके, हमारे बेटी चिके। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। उसका कहना हुआ कि पहले से तुथुमे में हो रहा था, एक दो लड़की था, एक लड़का था, तो 50,000 मांग रहा था बच्चा के इलाज करवाने के लिए। तो बच्चा इलाज करवाने के लिए 50,000 उसको पिताजी जिंदा थे तकनीक को इलाज करवा के लाया था, तो बोला कि जो है ठीक, अभी माहौल है ये बच जाएगा। तो वहाँ से ले कर घर में आया
तो 2 दिन 10 दिन के बाद वो बच्चा डेथ कर गया। उसको बोला जॉन्डिस बीमारी अंदर से धर लिया। अच्छा। तो वो डेथ कर गया। तो उसके बाद में फिर लड़की का जन्म था, तो लड़की पेट में था, तो वो लड़की जन्म लिया तो हॉस्पिटल में। तो फिर उसके बाद में तो ठीक रहा। कितना दिन पहले जन्म हुआ था बेटी का? लड़की का जन्म हुआ था, लड़की है 15 महीना 16 महीना होता होगा। तो उसके बाद में फिर ये गया, दोनों पति पत्नी रहने लगा। ये कहाँ है कि जब जैसे बड़का भाई शादी करके आया, उसके बाद में जो है दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ इसका अभी दोनों मियाँ बीवी रहने के लिए चाहता नहीं था। बोला कि अब जो है इसको हम नहीं रखेंगे। तो हम लोग वहाँ से यहाँ ला दिए, तो घर में रख के यहाँ 6 महीना रखबो किए। तो फिर वो सनी आया, उसका भाई सनी मिथुन भैया और धीरज भैया सनी सब आया। तो बोला कि तुम बहन का यहीं रखबो, तोरा यहीं जिंदगी ओकरो कटी जेतै, जे से तुम ओकरो विदागरी करबो कि नहीं, तब तोरा सदा के लिए रखैल पड़ी जतौ। तो हम लोग डर से, गरीब आदमी थे, ठेला टक्कर चलाते हैं, तो हम लोग सोचे मजदूर आदमी है, इसको दे देते हैं, ये भी मेरा बनो है, वो भी मेरा बहन है, दे दिए, भेजा दिए। तो यहाँ सना भी करवाए, तो सर बड़ा बाबू का नाम नहीं जानते हैं, इधर 5 महीना पहले सना करवा के भेजे हैं उसको, गोड़ हाथ पकड़वा के वो गोड़ पर गिरने लगा बड़ा बाबू का, कि हमको सर ऐसा गलती नहीं होगा अंदना। उसके बाद में बोला हम बहुत बढ़िया से रहेंगे, परिवार सब मिला जैसे रहता है उसी तरह से मिलजुल के रहेंगे। उसके बाद लेके गए, फिर जो है कद्दू भात दिन आया, यहाँ जगदम्बास्थान में काली मंदिर में यहाँ भंडारा आयोजन किया था, यहाँ प्रसादी खाने के लिए आया। उस समय भी बोला कि ठीक है यहाँ कोई दिक्कत न है। फिर यहाँ मंदिर से वो उसको झगड़ा झंझट किया, तो बोला कि हम बोलबो कि उसको कि यहीं रहने दो, तोरा दिन पटरी नहीं हुए छौ, जा 2-4 महीना तो रहो छुट्टा एक छोड़ी का। लेकिन वो बोला कि नहीं हम जेबो तो लेके जेबो, तो एक लिए चिंता नहीं करे, हमारे परिवार से अब हम केना रखबे, तो इसने की दिमाग लगाए छे। वो लेके चला गया और आज 11 बजे रात में बात है कि कुल्हाड़ी से पहले आगे वाला गर्दन सोया हुआ था, चित भरे सोया था, तो उसका गर्दन काट दिया। और गर्दन काटने के बाद जब वो चिल्लाया उल्टा पुल्टा, तो फिर 3 कुल्हाड़ी